हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है आयोनिक कंपाउंड्स के, जिसे हमें डिटेल में हमें देखना है कि लैटिस कौन सा आयन बनाता है, कौन सा आयन कौन से वॉइड में जाता है, कौन सी पोजिशन लेता है, कितने वॉइड्स को कवर करता है, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ये सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। पांच मेजर स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सिलेबस में जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यानी ठीक है, मतलब उनके बारे में बता चुका हूँ, जैसे NaCl, CaCl, ZnS, ठीक है, CF2Na2, ठीक है, इन सभी को हमें देखना है। अब इसमें एक नई चीज़ क्या है कि यहाँ में लिखा है इन आयोनिक कंपाउंड टू टाइप्स ऑफ आयन्स आर प्रेजेंट, दैट इज कैटायन एंड एनायन। तो हमें पता है आयोनिक का मतलब आयन्स, एक या तो कैटायन होगा या एक एनायन होगा, मतलब दो तरह के आयन्स हमारे पास है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम कैलकुलेट करते थे, या कोऑर्डिनेशन नंबर हम जब डिफाइन करते थे, हम बोलते थे जिस भी एटम का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है, तो उस एटम को नियर बाय कितने एटम टच कर रहे हैं, या मैं उसे बोल सकता हूँ जो नियरेस्ट उसका नेबर होता है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे लोकेट होता है, वो कितना मिनिमम डिस्टेंस पे कितने सारे, उन सबको मैं क्या कर लूँ, सिर्फ काउंट कर लूँ, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता था। लेकिन अब यहाँ पर एक कैटायन अलग आ गया और एक एनायन अलग आ गया, तो एक ही कंपाउंड में दो तरह के मेरे पास स्पीसीज मिल गए या दो तरह के आयन्स मुझे मिल गए। तो अब प्रॉब्लम यह आ गई कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग आएगा और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग आएगा। इसलिए ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे किसके अंदर, स्पेसिफिक आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटायन का जब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, तो हम देखेंगे नियर बाय नियरेस्ट एनायन कितने उसके उसको टच कर रहे हैं, या नियरेस्ट मिनिमम डिस्टेंस पे कितने एनायन उसके पास में है। तो वही लिखा मैंने CN शॉर्ट में लिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, जब मेरे को एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है उस आयनिक कंपाउंड में, तो मैं नियरेस्ट कैटाइन्स काउंट करूंगा, और अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन को काउंट करना है, तो मुझे क्या काउंट करना पड़ेगा, नियरेस्ट एनायन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक आयोनिक कंपाउंड में हमें कैटायन का अलग कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसके नियरेस्ट नेबर में कितने एनायन्स हैं, और मैंने एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोला तो उसके नियरेस्ट नेबर में कितने कैटायन्स हैं, वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल में समझ में भी आएगा आसानी से, बस एक थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। अब इसमें हमने दो टाइप में इसको कैटेगराइज करा आयोनिक कंपाउंड में, एक को ए बी टाइप में और दूसरे को ए बी टू या ए टू बी टाइप में। ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है कि पहला जो लिखा होता है वो कैटायन और बाद में जो लिखा होता है वो एनायन। तो मैंने मान लिया ए कैटायन है, बी एनायन है, तो ए और बी का जो रेशियो है वो 1:1 में होगा। अगर ए बी टू टाइप होता तो मैं बोलता 1:2 रेशियो में, या ए टू बी टाइप होता तो 2:1 होता। तो 1:1 रेशियो में, तो उनको ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड मैंने नाम दिया, और उसमें हम ये NaCl, CaCl और ZnS तीनों स्ट्रक्चर को देखेंगे ए बी टाइप में, और बाकी रिमेनिंग जो है उसको दूसरे टाइप में ए बी टू या ए टू बी, दोनों टाइप को एक साथ मैं बोल सकता हूँ, ए बी टू टाइप या ए टू बी टाइप में, जिसमें हम रिमेनिंग दो स्ट्रक्चर और देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड से, जिसमें हम NaCl को देखेंगे, जिसको हैलाइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो एक बार चाहो तो आप इसको कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके, और यहां से मैं आगे, ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर को ले रहा हूं। फर्स्ट ले रहा हूं मैं NaCl, ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। इसमें फर्स्ट ए बी टाइप में ले लेते हैं हम NaCl स्ट्रक्चर को। अब एक कैटायन है और एक एनायन है, तो इससे पहले अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो से हमें पता लगा है कि कहाँ पर कैटायन आएगा और कहाँ पर एनायन आएगा और कौन से वॉइड्स में जाएगा नहीं, ठीक है। ये रेडियस रेशियो में हमने बात करी थी, तो रेडियस रेशियो में हमने एक रेंज की बात करी थी, हमने स्टार्ट करा था 0.155 से लेके 0.225 तक, हमने बोला था यहां तक अगर रेडियस रेशियो मतलब कैटायन अपॉन एनायन का रेडियस का अगर हमने रेशियो निकाला, कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस दोनों का अगर मैंने क्या करा रेशियो निकाला और उनकी वैल्यू 0.155 से लेके 0.225 के बीच मारी, तो उसमें ट्राइंगुलर जो वॉइड होता उसके अंदर वो जाएगा कैटायन, मतलब एनायन बनाएगा लैटिस और उसका जो ट्राइंगुलर वॉइड होगा उसमें जाएगा कैटायन। फिर अगर 0.225 से लेके 0.414 तक अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू आई है, तब वो किस में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर।
और 0.414 से लेके 0.732 तक अगर उसकी वैल्यू आई है तो किस में जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड के अंदर। और 0.732 से लेके 1 तक उसकी वैल्यू गई है, इन बिटवीन कहीं भी उसके रेंज में वो वैल्यू आई है, तब वो क्यूबिकल वर्ड में जाएगा। तो उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल इस तरीके से इन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया, हालांकि वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कैसे हुआ मैंने उसका एक आइडिया दिया है कि रेडियस रेशियो हमने कैसे कैलकुलेट करा बता ही दिया, और उस रेडियस रेशियो के हेल्प से इसको कैसे करा तो एक एग्जाम्पल NaCl में मैं थोड़ा इसको बता भी देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते NaCl, जिसको हम कई बार नाम से भी आ जाता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते इसको, और कई बार हैलाइड। हैलाइड क्यों? क्योंकि इसमें क्लोराइड यूज हो रहा है। ठीक है, तो हैलोजन हुआ ये। ठीक है, तो और भी इसके एग्जांपल्स हैं कॉमन, तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहला है NaCl जिसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या फिर उसको हैलाइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब एक्चुअल में करा क्या गया था कि एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इन चीज़ों की थोड़ी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहला पढ़ रहे हम टाइप इसलिए बता देता हूँ। एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा है रेडियस ऑफ कैटाइन मतलब Na प्लस एंड रेडियस ऑफ एनाइन दैट इज Cl माइनस, इनकी एक्सपेरिमेंटली हमने क्या करा रेडियस पता कर ली कैटाइन और एनाइन की, और अब इनकी ये हमें नोन है एक्सपेरिमेंटली। जब इनका मैंने रेडियस रेशियो निकाला तो आर एन ए प्लस और आर सी एल माइनस, इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आई है वो आई है 0.52। ठीक है, जो भी वैल्यू है लेकिन इनका रेशियो मैं बता रहा हूँ, रेडियस रेशियो कैलकुलेट होकर आया 0.52। 0.52 किस रेंज में आ रहा है? 0.414 से तो छोटा और 0.732 से बड़ा है। दैट मीन्स ये कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो इसमें बनेंगे उसके अंदर जो भी लैटिस बनेगा उसमें एक आयन जाएगा नहीं, और जनरली आयन कौन जाता है? ठीक है, कैटाइन। ऐसा नहीं एनाइन नहीं, एनाइन भी जा सकता है, डिपेंड करता है उसकी आयन की साइज पे, लेकिन जनरली एनाइन बड़ा होता है तो लैटिस बनाता है और उसकी जो वॉइड्स होते हैं उसमें कैटाइन जाता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इस रेडियस रेशियो से पता लगा कि 0.414 से लेके 0.732 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है, दैट इज 0.52, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। इस तरीके से एक एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा, हालांकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वहां से मैं अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझिएगा। अब ये तो हमें पता लग गया है कि ये इस वॉइड में जाएगा, अब दो चीज में ध्यान रखनी होती है, क्योंकि कैटाइन और एनाइन है, तो एक तो होता है लैटिस बनेगा, लैटिस का मतलब है कि सिंपल क्यूबिक बनाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ सिंपल क्यूबिक बनाएगा तो सिर्फ कॉर्नर्स पे वो आयन प्रेजेंट होगा, आइदर एनाइन होगा वो सारे या सारे कैटाइन होगा, कौन सा होगा वो हम वन बाय वन देखेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ बीसीसी बॉडी सेंटर बनाएगा तो सारे कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर पे वो एक स्पेसिफिक आयन होगा। अगर मैं कह रहा हूँ सीसीपी या एफसीसी, दोनों हम एक ही मानते हैं, तो उसमें क्या होंगे सारे कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे वो प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें, ठीक है, याद रखनी होगी। ठीक है, मैं बताते चल रहा हूं, लेकिन आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा आयन लैटिस बना रहा है, कौन सा लैटिस बना रहा है, सिंपल क्यूबिक बना रहा है, बॉडी सेंटर बना रहा है, सीसीपी एफसीसी बना रहा है, ये लैटिस इसको बोलते हैं लैटिस कौन बना रहा है। और अब उन लैटिस के अंदर वॉइड्स कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन कौन से वॉइड के अंदर जाएगा वो रेडियस रेशियो से मुझे पता लगता है, तो ये भी आपको, क्योंकि वैल्यू तो आपको याद नहीं रखनी है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से वॉइड में जाएगा और कितने, क्या सारे वॉइड में जाएगा या स्पेसिफिक कुछ वॉइड्स में जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना जो Cl- एनायन है हमारा, दैट इज क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन दैट इज एनायन। ठीक है, ये क्या बनाएगा फॉर्म CCP बोल लो या FCC बोल लो, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, CCP या FCC लैटिस। इसका क्या मतलब हुआ कि क्लोराइड आयन CCP या FCC लैटिस बना रहा है, दैट इज, दैट मींस कि Cl- आयन प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड एट ऑल फेस सेंटर। ठीक है, तो यहां पे क्लोराइड आयन एनायन ने क्या बनाया, सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर बनाया, और सीसीपी या एफसीसी के अंदर क्या होता है सारे कॉर्नर प्लस
सारे फेस सेंटर कवर होते हैं, तो वहाँ सब जगह कौन होगा? क्लोराइड आयन होगा। तो इसकी लोकेशन पता लग गई, तो लोकेशन पता लग गई तो मैं यहाँ से नंबर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर अब जो हमारा कैटायन इसमें एन ए प्लस आयन है वो कहाँ लोकेट होता है? वो कहाँ जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में जाएगा। तो जो हमारा सोडियम आयन जो कि हमारा क्या है, कैटायन है, ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई करेगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होते हैं सीसीपी के अंदर, ठीक है, हमने बात कर चुके हैं। तो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां कहां पर होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे एज सेंटर पे होंगे, तो टोटल एज सेंटर कितने होते हैं? 12। और एक बॉडी सेंटर पे, इन ये दो जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो बॉडी डायगनल, एक बॉडी डायगनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। और कहां लोकेट होते हैं? बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में, एग्जैक्टली बीच में। तो एक कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर के बीच में, फिर नीचे वाले कॉर्नर और फिर बॉडी सेंटर के बीच में दूसरे, तो एक बॉडी डायगनल पे दो है, तो टोटल चार हमारे पास बॉडी डायगनल होती, तो टोटल आठ उसमें क्या होंगे हमारे पास, टीवी होंगे या टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ऑल सारी चीजें हम बात कर चुके ऑलरेडी। तो सोडियम आयन ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट इज इट इज प्रेजेंट एट ऑल एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, ठीक है, ये लोकेशन होती है किसकी? ओवी की। अब ये तो हमें पता लग गई लोकेशन, तो अब कितने कितने आयन एनायन होंगे या कितने क्लोराइड आयन होंगे और कितने कैटायन होंगे यानी एन ए प्लस आयन होंगे, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है सी एल माइनस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने होंगे, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एफ सी सी के अंदर, मतलब सारे कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऑल कॉर्नर प्लस ऑल फेस सेंटर, दैट इज नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने होंगे? कॉर्नर, एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? आठ कॉर्नर होते हैं, एक कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस छः फेस सेंटर होते, एक फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, दैट मीन्स ये तो हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 1 + 3 तो टोटल हो जाएंगे 4, मतलब 4 सी एल माइनस आयन होते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से एन ए प्लस आयन की बात करें कितने होंगे इसमें, क्योंकि ये तो लोकेशन हमने बोला यहाँ पर होगा, अब कॉर्नर पे तो वो पूरा एक यूनिट सेल के अंदर थोड़ी होगा, उसका तो 1/8 पार्ट होगा, ठीक है, तो टोटल हमें काउंट करना पड़ेंगे। और यहाँ पर ऑल एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, तो एज सेंटर कितने होते हैं? 12, और एक एज सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है? 1/4, एक एज को चार यूनिट सेल शेयर करते हैं, प्लस एक बॉडी सेंटर है तो बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 3 + 1 और ये भी कितने होंगे? 4, मतलब 4 ही क्लोराइड आयन होंगे और 4 ही क्या होंगे? सोडियम आयन होंगे, यानी 4 ही सी एल माइनस होंगे, 4 ही एन ए प्लस होंगे। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट का मतलब क्या है कि हमें पता है 4 एन ए प्लस है प्लस 4 ही क्या है? सी एल माइनस है। तो अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 4 दोनों में से कॉमन ले लूँ तो एन ए प्लस और सी एल माइनस की 4 यूनिट बनेगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूनिट है ना उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होगी? 4 होगी, यानी मतलब 4 एन ए सी एल आयन होंगे, यानी या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 एन ए सी एल के मॉलिक्यूल होंगे, यानी ठीक है, 4 ही एन ए प्लस है, 4 ही सी एल माइनस है। तो एक आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक एन ए प्लस चाहिए, एक ही सी एल माइनस चाहिए, तो टोटल 4 से कितने बनेंगे? 4। तो ये इसका फॉर्मूला यूनिट कहलाता है, या इसमें जेड की वैल्यू कितनी होंगी? 4, मतलब 4 मॉलिक्यूल होंगे एन ए सी एल के, यानी ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये पूछी जाती है इसमें। नेक्स्ट अगर मैं इसको आप देखें,
ठीक है, तो इसमें यहाँ पे चलो एक बार के लिए मार्क कर देता हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ Cl- की, है ना, तो Cl- में मार्क कर लेता हूँ ये कॉर्नर, आठ तो हो गए कॉर्नर, और एक ये बॉटम फेस, ये टॉप फेस बॉटम हो गया, राइट फेस लेफ्ट फेस, ये टॉप फेस, और ये बैक फेस और फ्रंट फेस, ये तो पोजीशन किसकी हुई, क्लोराइड आयन की। और अगर मैं बोलूँ मुझे Na+ आयन बताओ, तो Na+ आयन कहाँ होंगे, एच सेंटर पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे तो हो गए एच सेंटर, तो ब्लू वाले तो हो गए सारे एच सेंटर, और एक बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिंक से Cl- लिखा मैंने और ब्लू से Na+ लिखा है, तो ये हुई लोकेशंस। अगर मैं बोलता हूँ कि इनकी एज लेंथ में, ठीक है, मैं से बोल सकता हूँ यूनिट सेल की जो एज लेंथ है उसमें क्या रिलेशन होगा कैटायन और एनायन के रेडियस के फॉर्म में। फिर से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, यूनिट सेल के एज लेंथ का रिलेशन कैटायन और एनायन की रेडियस के फॉर्म में क्या होगा, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार पहले इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, थोड़ा मैं रब करता हूँ इसमें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर मैं एज लेंथ की अगर बात करूँ, ठीक है, तो एज लेंथ मैंने मान ली इस यूनिट सेल की ए है, जो हम इन जनरल मानते हैं, तो ये पूरी जो लेंथ है, ठीक है, ये जो पूरी लेंथ है ये हो जाएगी ए, ये तो हुई यूनिट सेल की। अब ये दिखाने के लिए मैंने छोटा छोटा दिखाया, अगर एक एज की बात करूं मैं इसकी, ठीक है, तो यहां कॉर्नर पे क्या है, क्लोराइड आयन, और इनके जो सेंटर पे वो क्या प्रेजेंट है, Na+ आयन। तो ये क्लोराइड आयन, Na+ आयन और फिर क्लोराइड आयन, ये चारों आपस में क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ में, तो ये क्लोराइड आयन, ये Na+ आयन और ये क्लोराइड, फिर से आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। तो अगर मैं एज लेंथ की अगर बात करूं, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो ए इज मस्ट बी इक्वल्स टू, अब ये जो कैटायन है इसकी तो पूरी डायमीटर आ रही है, इस वाले एनायन की आधी क्या आएगी, रेडियस आएगी, और इसकी क्या आएगी, आधी रेडियस आएगी। मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर ये एज लेंथ है तो ये, अगर मेरे पास कैटायन है तो इस तरीके से ये एनायन वाला पार्ट आ जाएगा क्लोराइड का, और ये दूसरा क्लोराइड का एनायन वाला पार्ट। तो इस एक एज के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर आधी रेडियस इस एनायन की, क्लोराइड आयन की, इस कैटायन की, तो पूरी डायमीटर आ जाएगी, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगी, और वापस आधी। तो अल्टीमेटली क्या हो गए, दो कैटायन की रेडियस और ये एक, और एक ये दो एनायन की रेडियस, तो मैं एज लेंथ बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन दैट इज क्लोराइड। तो इस पे भी अगर कोई इस तरीके से छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए रिलेशन, तो वो ये हो जाएगा। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यानी तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बोला है कि कैटायन के लिए अलग डिफाइन करना पड़ेगा और एनायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, चलो पहले बात कर लेता हम कैटायन की, तो हमने बोला कैटायन का अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो उसके नियरेस्ट नेबर कौन, एनायन होने चाहिए, अपोजिट चार्ज वाले होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैटायन मेरा कौन है, Na+ है, ठीक, किसी को भी पकड़ लो, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगर मैं बोलूँ सेंटर वाले को पकड़ो तो और ईजी हो जाएगा, अगर ध्यान से विजुअलाइजेशन देख सके तो देखना, जो सेंटर वाला है उस सेंटर वाले से a by 2 distance पे बैक वाला क्लोराइड आयन, फ्रंट वाली यानी बैक वाली फेस के सेंटर पे जो दे रखा है क्लोराइड आयन, फ्रंट वाली फेस पे जो दे रखा है क्लोराइड आयन, वो भी a by 2 distance पे होगा,
राइट वाली फेस पे जो दे रखा वो भी ए बाई टू डिस्टेंस पे है, और लेफ्ट वाली फेस सेंटर पे दे रखा वो भी ए बाई टू डिस्टेंस पे है। इसी तरीके से टॉप वाली फेस के सेंटर पे दे रखा वो भी ए बाई टू डिस्टेंस पे है, और बॉटम वाली फेस के सेंटर पे दे रखा वो भी ए बाई टू डिस्टेंस पे। तो टॉप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और बैक और फ्रंट टोटल कितने, छः, छः एनायन इसके ए बाई टू डिस्टेंस पे, बाकी देखोगे तो उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे। अगर सेंटर से नहीं करना है तो किसी भी को पकड़ लो, यानी चलो इसको पकड़ लिया मैंने किसी भी एस सेंटर वाले को, तो यहाँ से देखना ए बाई टू डिस्टेंस पे, ये भी ए बाई टू डिस्टेंस पे, इस जो फेस सेंटर पे ये भी कितना है ए बाई टू डिस्टेंस पे ही तो है इसके सेंटर पे, तो ये भी ए बाई टू डिस्टेंस। तो ये तो हुआ इस यूनिट सेल की बात। अब इसके बगल में एक और यूनिट सेल होगा, तो जैसे ये लेफ्ट राइट है और इसके इधर है, तो उसके आगे वाले जो उस साइड पीछे की साइड होगा वो भी कितना है ए बाई टू डिस्टेंस पे होगा, तो चौथा वो हो जाएगा। पांचवा इसी यूनिट सेल के अंदर है, इस फेस के जो सेंटर पे वो भी ए बाई टू डिस्टेंस पे है, इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसके फेस सेंटर पे भी ए बाई टू डिस्टेंस पे होगा। तो एज सेंटर से आप देख लो या फिर बॉडी सेंटर वाले से देख लो, किसी से भी देखो, आपको क्या मिलेंगे, छः ही एनाइन मिलेंगे ए बाई टू डिस्टेंस पे। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन, और कैटाइन कौन है यहाँ पर हमारा, एन ए प्लस आयन, दैट इज एन ए प्लस आयन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका मतलब है दैट इज 6 सी एल माइनस आयन सराउंड एट, चाहो तो लिख लेना ए बाई टू डिस्टेंस पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन किसी को भी पकड़ लो, कॉर्नर वाले को अगर आपने पकड़ा, ठीक है, तो कॉर्नर वाले से देखना ए बाई टू डिस्टेंस पे ये एन ए प्लस आयन, ए बाई टू डिस्टेंस पे ये एन ए प्लस आयन, ए बाई टू डिस्टेंस पे एन ए प्लस आयन। तो तीन तो इस यूनिट सेल में आ रहे, ए बाई टू डिस्टेंस पे यहाँ पर है तो इसके इधर भी होगा, ए बाई टू डिस्टेंस पे यहाँ पे तो इसके आगे वाले यूनिट सेल में भी होगा, और ए बाई टू डिस्टेंस पे ये तो इसके ऊपर वाले पे भी होगा, तो इसमें भी इस तरीके से छः ही आएंगे। तो इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, दैट इज 6 एन ए प्लस आयन सराउंड एट ए बाई टू डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको एक लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका, एन ए प्लस सी एल माइनस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जब लिखेंगे ना तो इस तरीके से लिखा होता है 6:6, पहले कैटाइन का लिखा हुआ होता है बाद में एनायन का, ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे हम फॉर्मूला लिखते तो पहले हमेशा कैटाइन लिखा जाता है, एन ए सी एल लिखा, ठीक है, के सी एल लिखा, ठीक है, या हमने एम जी बी आर लिखा, तो पहले कैटाइन लिखा जाता है फिर एनायन। तो कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो यह है NaCl वाला स्ट्रक्चर जिसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और लास्ट इसमें इसके एग्जांपल्स, एग्जांपल्स मतलब ऐसे रॉक सॉल्ट टाइप, अगर वो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो भी आयोनिक कंपाउंड है उसमें जो एनायन है वो एनायन कहाँ प्रेजेंट होगा, CCP लैटिस बना रहा होगा, दैट मीन्स कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे होगा, और उसमें जो कैटाइन होगा कोई भी हो अननोन के फॉर्म में भी दे दे बोल दे रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, तो एनायन तो बनाएगा CCP FCC, दैट मीन्स कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, और जो कैटाइन होगा वो सारे एस सेंटर प्लस बॉडी सेंटर पे होगा, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे यानी, ठीक है। तो लास्ट इसमें देख ले इसका एग्जाम्पल, तो इस तरह के स्ट्रक्चर कौन कौन बनाता है, हैलाइड ऑफ हैलाइड ऑफ एन ए प्लस के प्लस आर बी प्लस रुबीडियम, ठीक है, एंड हैलाइड का मतलब ये आ गया, इसमें क्लोराइड भी आ जाएगा, ब्रोमाइड भी आ जाएगा, आयोडाइड भी आ जाएगा, ठीक है, एंड एफ ई ओ, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है, ये भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, एफ ई ओ एंड MgO, ठीक है, जैसे NaCl है, NaBr, NI, NaI, इसी तरीके से KCl, KBr के, ये तो हुआ हैलाइड ऑफ
तीन कैटाइन के, और उसके अलावा FeO और MgO ये भी क्या करते हैं, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्साइड है वो एनायन का काम करेगी और Mg+2 और Fe+2 क्या कैटाइन का काम करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना, कभी पूछ ले दो तो इसको कॉपी करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए CsCl, सीजियम कैटाइन है यहाँ पे और क्लोराइड वापस से Cl एनायन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी जब रेडियस रेशियो देखा गया, ठीक है, रेडियस रेशियो देखा गया कैटाइन अपॉन एनायन का, तो वो 0.93 के आसपास आ रहा है। दैट मीन्स 0.732 से बड़ा है और 1 से लेस है, तो किसके अंदर, क्यूबिकल वर्ड के अंदर यहाँ पर एक आयन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में या इस आयोनिक कंपाउंड के बारे में खास बात है वो ठीक है बताऊंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशंस कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। इन जनरल हम बोलते हैं कि एनायन बड़ा होता है तो एनायन ही क्या करता है, लैटिस बनाता है। तो यहाँ पर जो एनायन है वो कौन है, क्लोराइड है, और वो जो लैटिस बनाता है वो बनाता है सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक का मतलब है कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे। ठीक है, तो Cl- आयन प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। ठीक है, अब सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा तो हमें पता है क्यूबिकल वर्ड का बनता है, सिंपल क्यूबिक में अगर सारे कॉर्नर्स पे अगर कोई एटम है तो उसके बॉडी सेंटर पे क्यूबिकल वर्ड बनता है। तो यहां पे जो सीजियम आयन है, कैटायन है, वो कहां, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं Cs+ आयन प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का मतलब ही क्या है, सारे कॉर्नर्स, तो सीजियम आयन प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। अब खास बात जो मैं बोल रहा था, इसमें क्या होता है, देखो सीजियम आपको पता ही है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, उसके बाद में सीजियम आता है। तो सीजियम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में साइज क्या होती है, बढ़ती है, तो सीजियम आयन अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ा है। क्लोराइड आयन तो कहाँ मिलता है, ठीक है, थर्ड ग्रुप के अंदर ही मिल जाता है वो, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर तो साइज उल्टा और क्या होती है, छोटी होती जाती है। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे सीजियम आयन और क्लोराइड आयन की साइज ऑलमोस्ट हम क्या कहते हैं, बराबर है, और उनके रेडियस रेशियो से भी पता लग रहा 0.93, मतलब दोनों को डिवाइड करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, यानी ठीक है, तो सीजियम बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। तो इसका उल्टा वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, वाइस वर्सा मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि सीजियम आयन सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाए, दैट मीन्स वो सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, और क्लोराइड आयन कहां प्रेजेंट हो, बॉडी के सेंटर में जहां पर क्यूबिकल वर्ड प्रेजेंट होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है, वर्बली मैंने बोल दिया, चाहो तो इसको लिख लेना, वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। वाइस वर्सा का मतलब है कि सीजियम भी, सिर्फ स्पेसिफिक CsCl की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं NaCl में भी आप ऐसा कर दो, NaCl में Cl- बड़ा ही होता है और Na+ काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं, स्पेसिफिक सिर्फ CsCl की ही मैं बात कर रहा हूँ। अब पोजीशन हमें पता लग गया तो हम नंबर भी काउंट कर सकते हैं, तो Cl- की अगर हम बात करें, ठीक है, ऑल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है ये, तो ऑल कॉर्नर का मतलब हो गया 8 कॉर्नर है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, तो टोटल कितना, 1 Cl प्रेजेंट हो, Cl- आयन होगा इफेक्टिव। इसी तरीके से Cs+ आयन की बात करें तो एट बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है ये, तो बॉडी सेंटर पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा कितना होगा, 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला यूनिट की बात करें, फॉर्मूला यूनिट की अगर हम बात करें तो एक Cs+ आयन और एक Cl- आयन ही है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ओवरऑल एक ही CsCl मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। दैट मीन्स जो Z की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इसमें होंगे 1 होंगे, जबकि NaCl में कितना आ रहे थे, 4। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने बोल दिया जो कॉर्नर्स है वो क्लोराइड है, तो मैंने यहां पे कॉर्नर्स पे क्लोराइड बना दिए,
पिंक कलर से, ठीक है, ये क्लोराइड है और सेंटर पे है हमारा सीजियम आयन, तो ये बॉडी के सेंटर पर आ गया। अब अच्छा एक रेडियस वाला भी बात कर लेते पहले। रेडियस की अगर बात करें तो ये आठों जो कॉर्नर पे क्लोराइड आयन है उनके सेंटर पे ये बन रहा हमारा क्यूबिकल वर्ड, ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बॉडी सेंटर, और इसको और क्या बोल सकते हैं, दैट इज ये यहाँ पर क्यूबिकल वर्ड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ बॉडी डायगनल अगर बनाता हूँ, ये पीछे वाले कॉर्नर को मैंने अपोजिट वाले आगे वाले कॉर्नर से जब जोड़ा, तो ये बॉडी सेंटर पे जो प्रेजेंट है सी एस प्लस और ये कॉर्नर, ये आपस में क्या कर रहे, एक दूसरे को टच कर रहे, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, किसी भी अपोजिट कॉर्नर के आगे पीछे कॉर्नर को आप कवर कर लेना। तो यहाँ पर देखोगे तो इसकी तो आएगी हाफ रेडियस, इधर भी हाफ रेडियस, सॉरी हाफ रेडियस सॉरी डायमीटर का हाफ, मतलब इस पे इसकी रेडियस और इसकी रेडियस टोटल मिला के दो रेडियस, मतलब पूरा एक डायमीटर, और इधर तो इसका पूरा क्या आएगा डायमीटर, मतलब दो रेडियस आएगी। और बॉडी डायगनल कितना होता है, रूट थ्री है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें जो रिलेशन है एज लेंथ के अंदर, तो रूट थ्री ए, ये तो हो गया बॉडी डायगनल, और बॉडी डायगनल में कैटायन जो हमारा है वो दो होंगे, तो आर सी एस प्लस और एनाइन भी आधा इधर और आधा इधर, ये सब आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा आर सी एल माइनस। तो यहाँ से अगर एज लेंथ और कैटायन और एनाइन की रेडियस के बीच में अगर रिलेशन पूछे तो वो हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके हम ऑलरेडी कर चुके, बस यहाँ पर पहले एटम की बात करते थे, एटम ना हो के अब यहाँ पर क्या आ गया, कैटायन और एनाइन आ गया, दो अलग अलग, ठीक है। ये हो गई एज लेंथ की बात, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो यहाँ से अगर मैं पूछता हूँ सीजियम सी एस प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ये आठों कॉर्नर वाले क्लोराइड आयन टच कर रहे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एट। दूसरा देखो, अगर कोई वॉइड के अंदर, ठीक है एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, अगर किसी वॉइड के अंदर कोई कैटायन या एनायन या कोई भी एटम प्रेजेंट है किसी वॉइड के अंदर, तो मैंने पहले भी शायद ये बताया कि जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उस एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे पिछले केस में अगर हम बात करें तो जो एन ए प्लस था वो किसके अंदर था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर था, एन ए सी एल के स्ट्रक्चर में, और ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सिक्स, इसलिए वहाँ पर एन ए प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहा था, सिक्स, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका है। इसी तरीके से ये किसके अंदर है, क्यूबिकल वर्ड के अंदर है, और क्यूबिकल वर्ड का अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एट, क्योंकि आठ से मिलके बनता है, तो इसका भी ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एट। तो कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एट। अगर मैं एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो यहाँ से तो दिखेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ठीक है एक छोड़ गया यहाँ पर, आठ है ना, चार ऊपर चार नीचे। तो अगर लेकिन मैं एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो पीछे हम लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने डिस्कस करा था 3D वाला व्यू बना के। तो जैसे एक ये यूनिट सेल के अंदर किसी भी एक एटम को ले लो, अगर इस एटम को लिया तो इस यूनिट सेल में ये वाला सेंट्रल एटम इसको टच कर रहा है, तो इसके बराबर में एक यूनिट सेल, इसके आगे दो यूनिट सेल, ऐसे ही चार एक प्लेन में और चार उसके ऊपर प्लेन में, चारों आठों, जो आठ का कॉम्बिनेशन बनेगा यूनिट सेल का, उन आठों यूनिट सेल के सेंटर में जो सी एस प्लस आयन होगा वो एक कॉर्नर को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके के कोऑर्डिनेशन नंबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो वैसे आप समझ सकते हो। तो अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस ये भी एट है, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- माइनस ये भी 8 है। तो अगर मैं बात करूँ इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, सी एस प्लस सी एल माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से ये सी एस सी एल का स्ट्रक्चर होता है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऐसा सी एस सी एल टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है वो सी एस बी आर भी बनाता है, ठीक है। सी एस सी एल का स्ट्रक्चर सी एस बी आर भी लिख सकते हैं, सी एस बी आर ऑल्सो फॉर्म सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा सी एस सी एल का स्ट्रक्चर, तो इसको एक बार आप कॉपी करें।
नेक्स्ट जो थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है ए बी टाइप में लास्ट, वो है जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, या उसको कई जगह जिंक ब्लेंड के नाम से भी जाना जाता है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। फिर से अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये आपको ध्यान ही रखना होगा लोकेशंस वगैरह। तो जनरली जो एनायन होता है, बार बार बोल रहा हूँ, जनरली जो एनायन होता है, ठीक है, जैसे लास्ट केस सी एस सी एल को छोड़ के, कि एनायन ही क्या बनाता है, लैटिस बनाता है। तो यहाँ पर एनायन कौन है, सल्फाइड। तो जो सल्फाइड आयन फॉर्म सी सी पी और एफ सी सी लैटिस, दैट इज प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड ऑल फेस सेंटर। फिर जो Zn प्लस टू आयन, जो कैटायन है, इसमें प्रेजेंट एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। पहली बात तो इसका जो रेडियस रेशियो आता है वो किस कितना आता है, 0.3 के आसपास आता है, जो कि 0.414 से कम है, यानी ठीक। तो 0.414 से कम है मतलब 0.225 और 0.414 क्या टेट्राहेड्रल वॉइड देगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। लेकिन खास बात है कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑल्टरनेट टीवी में जाता है, दैट मीन सारे टीवी कवर नहीं करता, आधे ही 50% टीवी कवर करता है, दैट इज फिफ्थ, ऐसे लिख सकते इसको हम, दैट इज प्रेजेंट एट 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हर केस में ध्यान रखना है कि एनायन कहाँ प्रेजेंट होता है, कैटाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, या एनाइन कौन सा लैटिस बना रहा है और कैटाइन कौन सी लोकेशन पे, फिर बाकी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन कितने हैं, तो सल्फाइड की अगर मैं बात करूँ तो सी सी पी बना रहा है, ठीक है, ऑल कॉर्नर प्लस ऑल फेस सेंटर, दैट इट हर एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 × 8 कॉर्नर प्लस हर एक फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 और 6 फेस सेंटर होता है, तो 1 + 3 = 4, चार सल्फाइड आयन होते हैं इसके अंदर। और अगर मैं बात करूँ किसकी, Zn प्लस टू आयन की, तो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड बोला है। तो हमें पता है CCP या FCC के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं टोटल, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, CCP लैटिस बनता है तो 4, उसके ट्वाइस डबल हमेशा टीवी होते हैं, तो टोटल वैसे 8 होने चाहिए थे, लेकिन उसके 50% या हाफ का मतलब क्या हो गया, उसकी भी हाफ, दैट इज हाफ ऑफ टोटल टीवी, और टोटल टीवी कितने होंगे 8, तो ये भी 4 ही होंगे। वापस से रेशियो देखोगे तो 4:4, दैट मीन्स 1:1 का ही आ रहा है, ए बी टाइप ही बन रहा है। तो फॉर्मूला यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मूला यूनिट में 4 Zn प्लस टू और 4 सल्फाइड है, तो 4 दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी प्लस टू चार्ज है, यहाँ पे माइनस टू चार्ज है, तो Zn ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे Z की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 4 होगी। तो ध्यान रखना इफेक्टिव नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो कितने, 4 होते हैं इसमें, NaCl में भी 4 होते हैं, CaCl में 1 होते हैं, और वापस ZnS में 4 होते हैं। हाँ, इक्वल रेशियो में, इसलिए 1:1 रेशियो आता है हमेशा इनका। अब देखिए इनमें थोड़ा सा लोकेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, दोनों को समझ लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ वापस से सल्फाइड, एनायन मैंने बताया कॉर्नर, आठ हो गए कॉर्नर और 6 हो गए फेस सेंटर, ये पीछे वाला और ये आगे वाला। अब बात करें टीवी की, तो टीवी में सारे नहीं दिखा रहा, जो
टीवी है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायगनल पे, एक बॉडी डायगनल पे दो टीवी होते हैं, मतलब अगर मैं एक यहाँ पर दिखाऊँ बॉडी डायगनल, ये एक बॉडी डायगनल है, तो ये मैंने मान लिया ये बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में एक होगा, तो यहाँ पर मैंने मान लिया एक, और बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच में एक होगा तो यहाँ मान लिया, ऐसे एक बॉडी सेंटर पे दो टीवी होते। लेकिन अब इसने क्या बोला है कि ऑल्टरनेट, सारे टीवी पे नहीं होंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट टीवी मतलब एक बॉडी डायगनल पे दो होने चाहिए, लेकिन एक बॉडी डायगनल पे एक ही आपको क्या मिलेगा, एक ही आपको क्या मिलेगा, जेड एन प्लस टू एन मिलेगा। दूसरा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल क्या, अगर मैंने आठ वाला 3D वाला बनाया ना, अगर आठ यूनिट सेल कंबाइन फॉर्म में जो 3D वाला हम बनाते, अगर मैं इस बॉडी डायगनल को एक्सटेंड करूँ दूसरे यूनिट सेल के अंदर, ये बॉडी डायगनल यहाँ से जब बढ़ रहा होगा, तो अगर इस वाले, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, इस वाले सल्फाइड एटम से अगर ये क्लोराइड एटम इसके पास में है, यानी मतलब इसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, ये वर्ड बना रहा तो टेट्राहेड्रल तो टच वर्ड को तो टच करेगा, कोई वर्ड उसकी वजह से बना, तो ये इसको टच कर रहा होगा, तो इसके पीछे जो बॉडी डायगनल जाएगा दूसरे यूनिट सेल में, वहां पे कोई भी टीवी के अंदर, टीवी तो होगा लेकिन उस टीवी के अंदर क्या कोई जेड एन प्लस टू आयन नहीं होगा। ऑल्टरनेट या 50% टीवी का मतलब क्या, ध्यान से समझ लेना, फिर से बोल रहा हूँ, एक यूनिट सेल में एक बॉडी डायगनल के ऊपर दो टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं, लेकिन दोनों टीवी नहीं भरेंगे, एक ही टीवी के अंदर जेड एन प्लस टू होगा, जैसे यहां पर है, यहां पर नहीं है, ठीक है। तो टोटल आठ है, सॉरी टोटल चार बॉडी डायगनल है, तो चार बॉडी डायगनल में कितने मिलेंगे आपको, चार ही मिलेंगे। अब इसका दूसरा कैसा होगा देखना, एक यहां से ये पीछे वाला कॉर्नर है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये पीछे वाला कॉर्नर है, ऊपर ये है नीचे वाला कॉर्नर, तो ये नीचे वाले कॉर्नर से ये आगे वाले कॉर्नर पे भी एक बॉडी डायगनल आएगा, तो अब की बार जैसे यहां ऊपर मिला तो यहां ऊपर नहीं मिलेगा, अब की बार कहां, नीचे की साइड मिलेगा, यानी इस तरीके से ऑल्टरनेट है। 50% का मतलब है कि अगर इसके अंदर यहां मिल गया तो यहां नहीं मिल रहा है, और इसके जब पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं तो यहां नहीं मिलेगा, अब कहां, वो सेंटर जो आएगा पिछले यूनिट सेल का, उसके सेंटर और उसके दूसरा जो कॉर्नर आएगा उसके बीच में मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा समझने में आसान होगा कोऑर्डिनेशन नंबर को। चलो पहले तो हम बात कर लेते इसमें एज लेंथ की, तो एज लेंथ की अगर हम बात करें तो एज लेंथ देखना, यहां से ये तो है बॉडी डायगनल का सेंटर, और ये है बॉडी सेंटर और कॉर्नर का भी सेंटर, ये वाला सेंटर है जहां पर हमारा टीवी प्रेजेंट है, तो ये पूरी डिस्टेंस होती है रूट थ्री ए, यहां से इसका आधा करूंगा तो रूट थ्री ए बाई टू, और यहां से इसका भी आधा कर दूंगा तो रूट थ्री ए बाई फोर, मतलब ये और ये दोनों जब ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, और टच कर रहे होंगे तो आधा रेडियस इसका कैटायन का, आधा रेडियस इसका एनायन का, ठीक है। तो यहां पर इस बार ट्वाइस नहीं है, तो ध्यान रखना यहां पर रूट थ्री ए बाई फोर, क्योंकि फिर से सुन लेना, ये यहां से यहां तक है बॉडी डायगनल रूट थ्री है, इसका आधा करा तो बॉडी सेंटर आया रूट थ्री ए बाई टू, और इसका आधा करा तो रूट थ्री ए बाई फोर, और यहां पे इसका सेंटर दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। तो यहां पर रेडियस ऑफ जेड एन प्लस टू प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड माइनस टू, ये इनके बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। लास्ट इसमें आ जाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम इसमें बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो देखो, पहली बात तो कहां पर प्रेजेंट है जेड एन प्लस टू, कौन से वर्ड में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है, टीवी के अंदर प्रेजेंट है, और अभी मैंने बोला जिस वर्ड के अंदर प्रेजेंट हो जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही उस आयन का होगा, तो टेट्राहेड्रल वर्ड मतलब टेट्रा मतलब चार, तो इसका टेट्राहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो ऑब्वियसली बात है Zn प्लस 2 का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, तो कैटायन का तो इजी हो गया, एनायन का क्या होगा, अगर नहीं समझा मैं दूंगा फिर भी नहीं समझ में आया तो देखो लॉजिकली ए बी टाइप पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, ए बी टाइप पढ़ रहे हैं मतलब उनका रेशियो नंबर फिक्स है, यानी मतलब सेम रेशियो में, जैसे NaCl में 4:4 में था, CaCl में 1:1 में था, और यहां भी वापस देखा 4:4 यानी 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है, यानी तो जितने कैटायन है उतने एनायन, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर,
टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है Zn प्लस 2 के लिए, तो सल्फाइड के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होना चाहिए, तभी ये क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो पहले कैटाइन का कैसे निकाला, तो मैंने कैटाइन का किससे निकाल लिया, वॉइड से निकाल लिया। बस मुझे ये दो लाइनें हर स्ट्रक्चर की पता होगी, स्टार्टिंग एनायन का कैटाइन का, तो बाकी सब चीजें अपने आप कर सकते हैं। तो मुझे पता लग गया टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4। Zn प्लस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इतना आपको पता है ए बी टाइप है, तो सल्फाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 ही होगा। ठीक है, अब एनायन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो एनायन का थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, कैटाइन में तो आपको दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये किससे 4 से घिरा हुआ है, इस कॉर्नर। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं हम, एक एक कॉर्नर और तीन फेस सेंटर, ठीक है, एक कॉर्नर और तीन फेस सेंटर से मिलके ये, ठीक है, पहले भी समझाया था मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड किससे मिलके बना होता है। अब एनायन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एनायन का ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कॉर्नर वाले एनायन या सल्फाइड आयन को मैं लेता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इसमें नियरेस्ट हमारे कैटाइन कितने हैं, तो देखना इसमें नियरेस्ट कैटाइन इससे ये एक तो है, लेकिन इससे पीछे जो इसके दूसरे यूनिट सेल में होना चाहिए इससे टच, वो नहीं होगा। आ रही मेरी बात समझ में? अगर मैं बोल रहा हूं ये 8 का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया 3D वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस कॉर्नर को 8 यूनिट सेल क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, एक तो ये करेगा इसके लेफ्ट में भी करेगा, इसके पीछे में करेगा, और एक इधर लेफ्ट के पीछे वाले में करेगा, 4 ये और 4 ऐसे इसके ऊपर। हर एक इस कॉर्नर से हर एक यूनिट सेल के अंदर एक क्या बन सकता है, बॉडी डायगनल बन सकता है, मतलब 8 बॉडी डायगनल बन सकते हैं, यानी इस एक कॉर्नर से हर एक यूनिट सेल से एक बॉडी डायगनल बन सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं जब इस वाले के अंदर, यहां पर अगर मैंने इस टीवी के अंदर एक क्या रख दिया, Zn प्लस 2 आयन रख दिया, टीवी भर दिया, तो इससे पीछे यहां से इसके पीछे वाले में जब वो क्या दूसरा, जब मैं इसी स्ट्रेट लाइन को जब खींचूंगा, दूसरा पीछे वाले यूनिट सेल के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, बॉडी डायगनल, तो यहाँ पे वो, क्योंकि ऑल्टरनेट अगर यहाँ है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, वही समझा रहा था, तो अगर यहाँ नहीं है तो इस एक पूरी एक लाइन के अंदर एक यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा। इसी तरीके से यहां से दूसरे में इधर अगर होगा तो इधर नहीं होगा, दैट मीन्स इस कॉर्नर से, सिंपल सा मतलब है, इस कॉर्नर से टोटल 8 बॉडी डायगनल पॉसिबल, 8 बॉडी डायगनल पॉसिबल है, और 8 बॉडी डायगनल पे 8 टीवी से ये क्या करेगा, सराउंड करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ 50% ही कवर करेगा, 50% मतलब 8 में से आधा कितना हो गया 4, तो 4 ही कवर करेगा, दैट मीन्स 4 ही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे विजुलाइज नहीं हो रहा तो 3D बना के भी आप चेक कर सकते हो, आसानी समझ में आ गया, पीछे की वीडियो देख लेना 3D वाले, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn प्लस 2 मतलब इट मींस कैटाइन, वो तो कितना है 4 ही है, आसान है क्योंकि टीवी है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड माइनस 2, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि आधे ही टीवी भरेंगे, तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि Zn प्लस 2 और सल्फाइड माइनस 2 ये 4:4 इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, और इसके लास्ट अगर बात करें इसके एग्जांपल की, ठीक है, तो इसके एग्जांपल आप लिख लेना AgCl, AgBr, ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर और कौन बनाते हैं, AgCl, AgBr, CuCl और CuBr etc. वो इसी टाइप के जिंक ब्लेंड टाइप या ZnS टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करें।